हाय गाइस, हम रीच हो चुके हैं मनाली एंड दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ट्रैवल हंगर। तो गाइस, हम लोगों ने होटल जैजलिंग इन बुक किया था फ्रॉम गोल्डन एप्पल एंड द रूम वॉज वेरी डिसेंट एंड इट वॉज वेरी अफोर्डेबल एंड वी हैव बुक फ्रॉम द मेक माई ट्रिप। रूम के बालकनी में से तो व्यू काफी बढ़िया था एज यू ऑल कैन सी। गाइज, कंपेयर टू दिल्ली एंड शिमला, मनाली में तो ठंड काफ़ी कम थी। और अब हम जा रहे हैं सोलंग वैली और अटल टनल। ये लोगों के काफ़ी एप्पल फार्म्स रहने के कारण ये लोगों ने इनके होटल का नाम ही गोल्डन एप्पल रख दिया था। फर्स्ट विल हैव आर लंच। सो अब हम लंच के लिए रेस्टोरेंट में रुकेंगे एंड विल हैव आर लंच एंड देन विल गो टू सोलंग वैली। यहाँ पर हम लोगों ने बटर चिकन, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस एंड सम राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी एंड कंपेयर टू एवरीथिंग वी फेल दैट राजस्थानी थाली वॉज क्वाइट ऑसम compared to all other food। Guys, हम अटल टनल तो नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, हम लोग सोलंग वैली जा रहे हैं एंड वहाँ पर विल हैव सम फन विथ स्नो। सो हम लोगों ने स्नो में खेलने के लिए कुछ ड्रेसेस रेंट पे लिए थे एंड द कॉस्ट ऑफ ड्रेसेस वे 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड सॉक्स सेपरेटली वो रेंट पे नहीं देंगे। सो गाइस, हम रीच हो चुके हैं सोलंग वैली और जैसे मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था शिमला के, हम लोग राइड्स लेंगे मनाली में। सो वी आर हैविंग आर राइड्स इन मनाली। सो हम लोगों को पर पर्सन पर कपल वाइज 2500 ईच कपल गिर रहा है। सो ऑलमोस्ट हमें 4 to 5 राइड्स आ रहे हैं। सो हमें पैकेज में मिल चुका है बाइक राइडिंग, स्की, टायर स्लाइडिंग एंड जिप लाइन। सो ऑलमोस्ट वी हैव डन विथ आर बाइक राइडिंग। सो अब हम लोग जा रहे हैं स्की राइडिंग के लिए। बिफोर द स्की राइडिंग वो लोग हमें सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू डू द स्की। सो जस्ट आई वॉज हैविंग माई स्की राइडिंग प्रैक्टिस। ये अब हम टायर ट्यूब स्लाइडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है पर कबीर तो काफ़ी गुमसुम हो चुका था ठंड के कारण। स्नो को देखकर और ठंड के कारण कबीर काफ़ी डर चुका था एंड उसके शूज़ भी काफ़ी स्लिपरी हो चुके थे। Okay।
करना है। ऑलमोस्ट 20 to 50 feet हाई था अप्रॉक्स। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू होटल। जैसे बिफोर डे हम लोग सोलंग वैली गए थे और हम लोग वहाँ पर काफ़ी थक चुके थे, तो नाइट वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बना सकी। सो नाउ वी आर गोइंग टू हिडम्बा टेम्पल। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर द हिडम्बा टेम्पल। गाइस, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वाइल गोइंग टू सोलंग वैली वहाँ पर तो ठंड नहीं थी, बट गाइस हिडम्बा टेम्पल पहुँचने के बाद यहाँ पर तो इतनी ठंड है। हिडम्बा टेम्पल का व्यू तो काफ़ी बढ़िया था गाइस, विद फुल ऑफ ट्रीज एंड एवरीथिंग। और इसे शिशु वैली भी कहते हैं, विद लॉट्स ऑफ गार्डन्स ओवर देयर। अब हम लोग हिमाचली कॉस्ट्यूम ट्राई करने जा रहे हैं। पर पर्सन 50 rupees रहेगा। अगर आप फैमिली पैकेज में ले रहे हैं तो ये सिर्फ 100 rupees में फैमिली पैकेज में आप लोगों को मिल जाएगा, लाइक हस्बैंड वाइफ एंड ए चाइल्ड। ये माल रोड ऑफ मनाली है और अब हम जा रहे हैं कुल्लू एंड मणिकरण टेम्पल। अगर आपको मनाली का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फूड एंड ट्रैवल हंगर।